पहले तो आप ये क्लिप सुनिए। मैं अटका होता तो भी अच्छा होता, मुझे अटका दिया गया था, वो भी एक ऑटो वाले ने, दिमाग चाट गया यार, उसी से झगड़ा कर रहा था कि लेट हो गया। ऑटो वाले से क्यों क्यों भाई, क्या हो गया था? अरे क्या बोलूं यार, एक तो मैं उसके ऑटो में बैठा, मतलब अपनी तशरीफ लेके साक्षात उसके ऑटो में मैं बैठा, और बाद में उतरने के बाद मुझसे ही पैसा मांग रहा है वो। और यही है सुपरमैन सर्वानंद अखिल अकिनेनी की हिंदी वॉइस मिस्टर सानूर मिर्जा। और अब इनकी डबिंग की क्लिप्स देखिए। 10th में 482 मार्क्स आए थे, 12th में 364। मेरे बर्थडे पर मेरा फेवरेट ड्रेस पहना था, तुम्हारे फेवरेट गॉड वेंकटेश्वर है, मेरे जाने के बाद तुमने गाना गाना छोड़ दिया था, तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थी पर तुम्हारे पापा ने बीएससी कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन करवा दिया, जिसकी वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, ये बात तुम्हारे पापा भी नहीं। 9th में था तो तुझे तेज बुखार था, याद है? कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, शहर के बेस्ट डॉक्टर तुझे ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ी दी थी सिवाय एक डॉक्टर के, डॉक्टर शिव प्रसाद। अगर आपने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो सिर्फ मेरा सपना चकनाचूर नहीं होगा, उस बाप का भी होगा जिसने अपने नाकारा बेटे का हौसला कभी टूटने नहीं दिया, साथ में उन परिवार वालों का भी हौसला टूट जाएगा जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में किसी अपने को तड़पता देखा है। क्या कानून इतना अंधा हो गया है कि उनका घाव वैसे ही बनाया है जैसे बहती हुई नदी हो, उतार चढ़ाव वाली। मेरे डैड, एक भले इंसान ने कहा था उम्मीद गाड़ी की चाबी जैसी होती है, आसानी से खो जाती है पर अगर ढूंढो तो नजदीक। मैडम इतनी जल्दी एग्जाम हो गया? हो गया मैडम। गुड, अब बैठ जाओ। अर्जेंटली कहीं जाना है। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं, जाकर बैठ जाओ। मैडम शादी के लिए जाना है। शादी मिस हो तो रिसेप्शन पे चले जाना। मैंने क्या, तो शादी नहीं होगी मैडम। क्यों? क्योंकि उस शादी का दूल्हा मैं ही। 4 लोगों को मारकर खुद को हीरो समझ रहा है? ए, मैं हूँ हीरो, साथ में किंग और नंबर वन भी हूँ, लेकिन हीरो विलन की डिस्कशन करने अपन यहाँ नहीं आया है। ठोकले, तुम सबको ठोकने आया है मैं। अपन ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी किसी की वजह से बिना कोई सुख देखे भरी जवानी में जान गवा दी भाई जान। इंसान गलती कर दे तो उसे माफी मिल जाती है, पर अपन तो एक रूह है, अपने कातिल को ढूंढने का हक नहीं अपन। उधार लौटाने की मेरी औकात ही नहीं है, एक हारा हुआ इंसान समझकर लोग बस मुझ पर तरस खाते हैं। किसी जमाने का महान क्रिकेटर आज बाई बाई का मोहताज। तूने कहा था लड़की मुझे देखेगी पर पूरी बस तेरे को देख रही थी। मैंने कहा था स्टाइल में भाग और तू कैसे भाग रहा था, जैसे किसी की चेन चोरी करके भागा हो। चोर कहीं। काम तो अब करना है यार, 10 साइन लेनी है और एक केस वापस लेना है बस, और ये तो सिर्फ एडवांस है, काम पूरा होने पर 20 करोड़ और। तुमने तो यहाँ हर चीज सॉलिड बनाई होगी, जैसे ये टेबल शायद वाइब्रेनियम का है। जिंदगी में कभी भी प्यार में कोई भी फैसला जज्बात में नहीं लेना चाहिए, वक्त आने पर वो आपका कॉल भी नहीं उठाती। उस दिन अगर मैंने अपने बॉस की बात सुनी होती तो आज मैं पेरिस में पैसा कमा रहा होता और मनचाही जिंदगी जी रहा होता। डैड, 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 अभी तुम्हें एक बात बतानी थी। डैड पहले मेरी बात सुनिए, आपको कॉल करने तक के पैसे नहीं मेरे पास। डैड मुझे पैसों की कीमत पता चल गई है, लाइफ की कीमत पता चल गई है, मैं आपसे आपकी हर बात मानूंगा, मैं MBA करूंगा डैड। मैंने भी यही सोचा है बेटा, इसलिए मैंने तुम्हारा और बादशाह का MBA में एडमिशन करवा दिया है। हाँ।